सिटी स्टेट की तरफ से बात कर रहे हैं। हमारे पास घर पड़ा हुआ है शालमान टाउन में, ये 10 मरले का सिंगल स्टोरी घर है। ये आपको मैं दिखाता जो बाहर से बड़ी शानदार इसकी लुक है, और ये सिंगल स्टोरी घर है। ये 2 गाड़ियों का गैराज यहाँ पर मौजूद है जी, और ये यहाँ पर ये बरामदा है, और अभी ये थोड़ा बहुत इसका काम वगैरह, और ये साथ में एक जी गली है वेंटिलेशन के लिए, अगर जगह ओपन छोड़ी हुई है। इसके बाद ये जी ड्राइंग रूम है, और ये इसके अंदर सीलिंग वगैरह हो गया, बड़ी शानदार कंस्ट्रक्शन है, और साफ़ सुथरा नीट क्लीन घर बना हुआ है। और इसके साथ ये अटैच वॉशरूम है जी, लाइट ऑफ है फिलहाल। और इसके बाद जी मैं आपको दिखा दूँ अंदर से, ये जब हम एंटर होंगे यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी खुली जगह यहाँ पर भी, और ये गली है, और इसके साथ ये यहाँ पर किचन है जी, गैस अवेलेबल है, और ये किचन है। और इसके साथ जब हम आगे आ जाएंगे तो ये एक छोटा रूम है, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, और इसके साथ ये आगे टीवी लाउंज आ जाएगा हमारे पास। और ये साइड पे जो हमारे पास ये एक मास्टर बेडरूम, इसके अंदर जी ये साथ में अटैच वॉशरूम है, और ये इसके अंदर अलमारियां बनी हुई हैं, मतलब सामान वगैरह के लिए हमें कुछ और अलग से नहीं लाना पड़ेगा। तो ये रेंट के लिए घर अवेलेबल है। और साथ में ये दूसरा मास्टर बेड है जी, इसके अंदर भी सेम ही बड़ा ये रूम है, मास्टर बेडरूम, और साथ में ये इसके अटैच वॉशरूम है जी, और साथ में इसके ये अलमारियां बनी हुई हैं, और बड़ा खूबसूरत घर है। और ये बाहर से मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दे देता हूँ कि वेंटिलेशन के लिए भी इसके अंदर जगह बनी हुई है, और लॉन्ड्री एरिया भी बाहर की तरफ बना हुआ है। तो 3 रूम हो गए, एक ड्राइंग रूम हो गया, और साथ में अटैच वॉशरूम्स हैं सबके साथ, और ये किचन का एरिया जो इसके अंदर किचन भी ओपन, बड़ा खूबसूरत किचन है इसके अंदर बना हुआ है। उसके बाद ये मैं आपको दिखा दूँ बाहर, ये वेंटिलेशन के लिए जगह बनी हुई है जी। इसके साथ ये गली है, बैक साइड पर सारी जा रही है, और इसके अंदर ये बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है रिहाइश के लिए किसी भी फैमिली के लिए। और ये इसके ऊपर ये एक रूम ऊपर है, स्टोर रूम भी इसको कहा जा सकता है, और साथ में उसके वॉशरूम भी है, और अगर सर्वेंट रूम इसको कहना चाहें तो वो भी कहा जा सकता है। ये ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं आप।